वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप फीलिंग गुड गाइस। आई होप सभी अपने अपने घरों पे सेफ हो एंड इस लॉकडाउन पीरियड को फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। सो फाइनली मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय फुटवेयर कलेक्शन। जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर एक कॉमेंट ये हमेशा होता है कि अपनी फुटवेयर कलेक्शन दिखाइए। सो फाइनली मैं लेकर आई हूँ एंड 90% जो मेरे हील्स है वो ऑफलाइन में लेती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ अपने हील्स के, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर पाती थी। एंड थोड़े टाइम से मैंने ऑनलाइन लेना शुरू किया है एंड कुछ कलेक्शंस हैं मेरे पास अभी जो ऑनलाइन है बट 90% आपको ऑफलाइन मिलेगी। सो सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लाइक शॉप का नेम एंड मैं कहाँ से ऑफलाइन लेती हूँ एंड जितने भी ऑनलाइन है उसका भी लिंक वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार अच्छे से चेक करें। सारे बूट्स वगैरह भी मैं हॉल में दिखा दूंगी कि आपको एक ही बार में सब कुछ मेरा जितने भी कलेक्शंस आप एक बार में देख लो। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। 17K हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत जल्दी 20K भी पूरी हो जाएगी अगर आपका यूं ही सपोर्ट रहे तो। सो गाइस प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कॉमेंट जरूर से करना कि ये वीडियो कैसी लगी। नाउ विद ऑल ऑफ यू डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइस तो ये मेरे सारे शूज हील्स जितने भी है मैंने यहाँ पे सब कुछ रख दिया है और मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट बात करती हूँ मैं इस ब्लैक हील्स की, जो कि मेरे मोस्टली कलेक्शन में आप देखोगे एक चीज़ की जितने भी है ये सारे पॉइंटेड हैं, जो कि मुझे फ्रंट से ओपन वाले हील्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे पॉइंटेड वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो मेरे पास आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ इस हील से, जो कि मैंने 1200 रुपीस की सरोजनी से ली थी एंड 1.5 साल करीबन इसको हो गया है एंड ये अभी भी एज इट इज़ है, आप देख सकते हैं इसको क्वालिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपकी हील्स भी, आपकी इसकी हील भी देख सकते हो कि जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हील्स पहनना पसंद नहीं है और इसलिए मैं 2 इंच में प्रेफर करती हूँ बट कभी कभी 3 इंच भी ले लेती हूँ। एंड ये रेड भी मैंने सेम शॉप से ली है, आप देख सकते हैं ब्रांड आपको सब सेम ही मिलेगी यहाँ पे। एंड ये रेड कलर की मैंने करीबन पिछले साल जून जुलाई में लिया था, मुझे ये रेड कलर बहुत ज़्यादा मन था तो ये मुझे मिली थी 1500 रुपीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है आई नो, बट ये मुझे रेड इस तरीके का शाइनी वाला मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। सो 1500 रुपीज़ मैंने इस पर लगा दिया एंड ये अगेन बहुत कम्फर्टेबल है एंड इसकी हील आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हॉल बहुत सारे हॉल्स वीडियो में आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो है ये येलो कलर की हील्स है जो कि मैंने शीन से ली है एंड ये कुछ इस तरीके से है, जिसे आप इस तरीके से पीछे करके पहन सकते हो देन यहाँ पे फिट कर सकते हो। मेरी ये बहुत ही फेवरेट हील्स रह चुकी है एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम हील है इस पे एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, मैंने इसे बहुत ज़्यादा पहना एंड करीबन ये मुझे मिली थी 900 और 800 समथिंग की। एंड नेक्स्ट है ये नेवी ब्लू कलर की और आपको मेरे पास सारे कलर्स के ऑलमोस्ट मिलेंगे, जो बेसिक कलर्स होते हैं जो मुझे हॉल्स वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सब कलर्स मैं खरीदती हूँ एंड ये ब्लू कलर नेवी ब्लू कलर की है एंड सेम शॉप से मैंने ली है एंड इसकी जो हील है वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इस तरीके की जो पॉइंट वाली हील होती है वो देखने पर बहुत अनकम्फर्टेबल लगती है बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये एंड बहुत ही शाइनी है, बहुत ही शाइनिंग मटेरियल है एंड बहुत ज्यादा स्टडी है ये। लाइक ये मुझे मिली थी सेल पे एंड ये मैंने 500 रुपीज में सिर्फ ली है, 1000 की 999 की 2 सेल चल रही थी एंड ये सिर्फ मुझे 500 रुपीज की मिली है, बहुत कंफर्टेबल है। एंड मेरे शूज का जो साइज है वो किसी पे 37 है एंड किसी पे 38 है। एंड नेक्स्ट ये सिल्वर कलर की है एंड इसे मैंने पार्टी पर्पज़ से ली थी और इस तरीके के जो पॉइंट्स वाले होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और इस तरीके के मेरे पास एक दो और थे बट मेरे सिस्टर ने उसे लूट लिया, मुझे दिया ही नहीं फिर। सो अभी मेरे पास फिलहाल ये एक ही इस तरीके का है, इसकी भी हील्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल ये भी है एंड ये अगेन आपको सेम ब्रांड की मिलेगी। नेक्स्ट ये ग्रे कलर की हील्स है जो मैंने मिंत्रा से ली है एंड ड्रेसबेरी ब्रांड से है ये और इस पर आपको छोटे छोटे ये गोल्डन गोल्डन मोती लगी हुई मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टडी है एंड इसकी जो हील है कुछ इतनी है, आपको 17 भी मोती मिलेगी एंड अगेन ये बहुत कंफर्टेबल है। सो मुझे पहले लगा नहीं था कि ये ग्रे कलर की जो हील्स मैं इतनी ज़्यादा अपने हॉल्स वीडियो में यूज़ कर पाऊँगी बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। लाइक अगर आपको वाइट नहीं जाती है किसी भी ड्रेस पे या ब्लैक और ब्राउन कुछ भी
नहीं जाता है ना, तो ये ग्रे कलर चला जाता है उस पर. सो ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड ये मुझे करीबन 800 या 850 रुपये की मिली है. लिंक मैं दे दूँगी, उसको आप एक बार चेक कर लें. एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये ब्लैक कलर की है. ये मैंने पार्टी वेयर पर्पज से ली थी एंड आपको सेम यहाँ पे ब्रांड मिलेगी. लाइक मेरी जो शूज़ होती मैं सरोजनी से लेती हूँ, एक ही शॉप से, जिसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड अगेन ये थोड़ी शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल है और इसकी भी जो हील है वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड इतनी हील्स ही मैं पहनती हूँ. और ये भी मैंने सेल पे ली थी लाइक 999 पे दो, तो ये मुझे 500 के मिले हैं. एंड नेक्स्ट ये रोज़ गोल्ड कलर की है जो कि मैंने मिंत्रा से अभी हाल में ही लिया है एंड ऑफिस वेयर के लिए बहुत परफेक्ट है. और जब आपको बहुत ही कम्फर्टेबल शूज़ पहनने का मन करे, लाइक ब्लॉक हील्स है इस पर, तब आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं. वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों पे ये चली जाती है बहुत अच्छे से एंड कलर ऐसा है कि आप इसे किसी भी ड्रेस पे आराम से यूज़ कर सकते हैं. एंड ये मुझे करीबन मिली थी 900 रुपीज़ की, बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो नेक्स्ट जो है ये वाइट कलर की हील्स है एंड ये मैंने ली है मिंत्रा से, जो कि मैंने स्पेशली शूट पर्पज़ से ही ली थी. थोड़ी सी अभी गंदी हो रखी है और इसकी जो हील्स है कुछ इतनी है, तो ये पहनने पर उतना कंफर्टेबल नहीं है. लाइक बहुत ज़्यादा मुझे चलने पर इस पर प्रॉब्लम होती हुई हील्स आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, अबव 3 इंच है एंड 3.5 है, तो 3.5 मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं होता. 3 इंच तक मैं आराम से यूज़ कर लेती हूँ. एंड सूट पर्पज से मैंने ये ली थी और ये मुझे मिली है 800 to 900 के बीच में, लाइक 850 या 900 रुपये की, जो कि मिंत्रा से है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड ये भी वाइट कलर एक अपने वार्डरोब में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. लाइक बेसिक एक ब्लैक कलर हो, वाइट हो, एक न्यूड कलर हो, तो ये 3-4 कलर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो शूट के पर्पज से मैंने इसे लिया है. एंड नेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है. ये बूट लुक पे है. लाइक इसे आप पहनोगे तो बूट वाली लुक देती है एंड इसकी भी हील्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. बहुत कम ही यूज़ करती हूँ मैं इसे, बट पहनने पे ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगती है. लाइक इसकी बेल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आती है, जो बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है. एंड कभी कभी मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड ये भी मुझे 500 रुपीज़ की मिली है. मैंने इसे सेल पे ली थी. नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अगेन पार्टी वेयर पर्पज से मैंने लिया था. जब मुझे पार्टी वेयर बहुत ज़्यादा शूट करना था तब मैंने स्पेशली जाके इसे खरीदा था एंड कुछ इस तरीके से शाइनी मटेरियल है इसकी, कुछ ऐसे, जो कि एक साल पहले मैंने इसे लिया है. एक साल पहले ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, ऐसे थ्रेड वर्क पे आप देख सकते हैं, पूरा थ्रेड वर्क है. एंड अगेन इसकी हील जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है, पहनने पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड पार्टी शादी के लिए परफेक्ट है. एंड इसे मैंने लिया था अप्रॉक्स 1200 रुपीज़ में, जो कि आपको मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखने को यह मिली होगी. मैंने इसे बहुत घिस कर पहना है. नेक्स्ट जो है ये गोल्डन कलर की है. लाइक गोल्डन कलर मेरे पास बहुत कम है एंड मैं बहुत टाइम से गोल्डन कलर लेना चाहती हूँ बट मुझे मिलती नहीं है. एंड अगेन ये मुझे 500 रुपीज़ की मिली है. इसकी भी हील्स बहुत कंफर्टेबल है, ज़्यादा है बट बहुत कंफर्टेबल है. एंड जब भी मुझे कुछ इंडो वेस्टर्न लुक देना होता है तब मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें वाइट भी है, ब्लैक पर भी चली जाती है एंड गोल्डन पर भी चली जाती है, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाती है इसकी. तो ये थर्ड लाइन है एंड ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जिसे मैं डेली घिसती हूँ. लाइक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं इसे ही पहनती हूँ. एंड ये है ज़ारा से मैंने करीबन इसे 2500 रुपये में ली थी. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट बहुत कंफर्टेबल है एंड मटेरियल भी बहुत ऑसम है, उसे मैं बहुत ज़्यादा घिस कर पहन रही हूँ. कुछ इस तरीके से इसकी जो लुक है वो आती है और पहनने के बाद ये बहुत ऑसम लगती है. फॉर्मल लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड पैंट्स वगैरह, प्लाजो वगैरह में बहुत अच्छी लगती है. ऑफिस और कुर्ती लुक बुक के लिए मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड रियल में भी मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट जो है ये ऑक्सफर्ड शूज़ है, जिसकी मुझे बहुत कमेंट आती है कि आप कहाँ से ले रहे हो, कहाँ से लेते हो. सो फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतनी हील्स है इसकी एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. एंड ये मैंने ली है सरोजनी से, जो मैं आपको बता देती हूँ. ये सरोजनी के दूसरे शॉप से है, लाइक बिक्सी के सामने एक फुटपाथ वाला लगाता है जिसके पास बहुत सारे लेदर के शूज़ होते हैं. मैं वहाँ से ली हूँ करीबन 700-800 रुपये में. उसके बाद ये ब्राउन वाली है, जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि ये कहाँ से है, कहाँ से है, कहाँ से है. एंड ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये भी मैंने सरोजनी से ही ली है और ये अगेन बिक्सी के सामने से मैंने ली है और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं. ये लेदर की शूज़ है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है. ये मिली है करीबन 700 रुपये में. जो है वो ये हील्स है एंड इसके रिगार्डिंग भी मुझे बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है. सो ये मैंने मिंत्रा से ली है एंड ये बहुत पुरानी है. लाइक करीबन 2-1.5 साल तो पक्का इसे हो गए हैं. एंड ये करीबन मैंने 1200-1300 रुपये में लिया था बट ये अभी भी वैसे ही चल रही है. इसकी हील्स आप
देख सकते हो बहुत ही कम है, बहुत कंफर्टेबल है एंड क्वालिटी अभी भी वैसे ही है इसकी। लिंक मुझे मिलती है इसकी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, लाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। एंड इसकी बेस्ट पार्ट है कि आप इसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों में वेयर कर सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाती है। एंड नेक्स्ट जो मेरी हील्स है वो ये है, एंड ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही कम्फर्टेबल है, सेम ब्रांड की आपको मिलेगी। एंड हील्स जो इसकी है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड बैक पे इसकी एक चेन आती है। सो बहुत सारे हॉल्स वीडियो में मैंने ये भी यूज़ करा है एंड ये भी मुझे मिली है 500 रुपीज़ ओनली, जो कि मैंने सेल से लिया था। एंड अब आती है ये शूज़ एंड बूट्स कलेक्शन, जो कि फर्स्ट मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। ये ब्लैक कलर की बूट है जो कि मैंने शीन से ली है एंड फ्रंट पे इसकी ऐसे जिप आती है और मटेरियल मैं दिखा दूँ बहुत ही शाइनी मटेरियल है एंड मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा घिसकर पहना है और हील्स भी इसकी बहुत कम्फर्टेबल है। शीन से लिया है मैंने ये एंड शीन के जितने भी फुटवेयर है सबके साइज 37 है एंड इसका प्राइस अप्रॉक्स 1800 और 1900 रुपीज़ की है। बट 2 साल से मैं पहन रही हूँ एंड आप देख सकते हो थोड़ा गंदा हो रखा है बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा औसम है। एंड नेक्स्ट बूट ये आर्मी ग्रीन कलर की है एंड ये मैंने मिंत्रा से ली है एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना घिस कर पहना है। एंड ये एक ऐसी बूट है जिसे मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, लाइक डेली यूज़ में मैं इसे विंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। एंड इसकी हील जो देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ब्लॉक हील बहुत कम है। एंड ये मैंने करीबन 1500 रुपीज़ की ली थी और बहुत ज़्यादा स्टडी है ये। और इस बूट की बेस्ट पार्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप विंटर्स में इसे वेयर करो, मैं समर्स पे भी मैं बहुत ज़्यादा इसे वेयर करती हूँ। एंकल लेंथ है तो एंकल लेंथ की इस तरीके की जो बूट्स होती है वो आप आराम से समर्स पे भी वेयर कर सकते हैं। तो मेरे पैसे पूरे वसूल हो चुके हैं एंड इस पे साइड पे इस तरीके से चेन मिलती है आपको। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं इस वाइट शूज़ की, जो कि मैंने शीन से ली है एंड अभी बहुत गंदा हो रखा है, मैंने बहुत टाइम से इसे क्लीन नहीं करा है। एंड ये करीबन मुझे 1200 रुपये की मिली थी, चंकी हील्स के साथ है एंड इस पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको शीन पे मिलेंगे, जो कि 1800-2500 की थी, जिसपे हील्स और अच्छी मिलती है आपको। बट मैंने थोड़ा सस्ता देखकर 1200 में ये ख़रीदा, जो कि बहुत कम्फर्टेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है ये। नेक्स्ट ये वाइट कलर की फॉर्मल काइंड ऑफ लोफर शूज़ है, जो मैंने अगेन सरोजनी से ली है एंड 500 रुपीज़ की मुझे मिली है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी है, लाइक डेली यूज़ के लिए, ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट है। हील देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, बहुत अच्छी लुक भी देती है और 500 रुपीज़ की बहुत ही औसम मिली थी मुझे ये। तो नेक्स्ट ये येलो शूज़ है, जो कि रिसेंट वीडियोस में आपको देखने को मिली होगी एंड ये मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज, इसलिए मैंने इसे ये लिया था एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी थी, लाइक 2000 रुपये की है। एंड इसकी हील्स आप देख सकते हो, चंकी हील्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ वाइट वाले से तो वाइट वाले के कंपेरिजन थोड़ा ज़्यादा है इस पर, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और येलो कलर की वजह से मैंने इतने पैसे लगा दिए थे एंड कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है और लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये जो लाइन है ये मेरी बूट्स की कलेक्शन है, जो मैं विंटर्स में वेयर करती हूँ। मेरे पास एक्चुअल में 2 लॉन्ग बूट्स है, एक ब्लैक में है एंड एक ये ब्लू में है। सो ब्लैक वाली ये मैंने रिसेंटली अभी 2 महीने पहले मंगाई थी शीन से एंड ये वेलवेट और टच में है। इस पर मेरा साइज 37 है, बहुत ही लॉन्ग बूट है, बहुत ऑसम है एंड पहनने पर बहुत कम्फर्टेबल है। सो इतनी हील है इसकी जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और पीछे ये फिटिंग करने के लिए आपको लेस भी दी हुई है। इससे मैंने लिया है 2000 रुपीज़ और 2500 के अप्रॉक्स बीच का प्राइस है ये एंड बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी नेक्स्ट विंटर्स में। एंड इसे मैंने अगेन सरोजनी से लिया है एंड ये बिक्सी के सामने जो मैं बता रही हूँ, जो फुटपाथ में लेदर वाले शूज़ वाले लगाते हैं ना, उनसे मैंने लास्ट ईयर लिया था ये एंड ये अप्रॉक्स मुझे 1500 रुपीज़ की मिली है, जिनका प्राइस उन्होंने कोट किया था 3000 रुपीज़। एंड जैसे मैंने बोला बिल्कुल हाफ प्राइस आप कोट कीजिए। सो बहुत ज़्यादा हील इस पे नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बूट है ये, लाइक ब्लू एंड ब्लैक का दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो बहुत सारे ड्रेस पे ऑलरेडी चल जाती है एंड पीछे से थोड़ा सा लो है एंड आगे से ये हाई है। अगेन मैं ऐसे भी रिकमेंड करती हूँ, अगर आप दिल्ली से हो तो वो शॉप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। सो दोनों ही लॉन्ग बूट्स मेरी बहुत अच्छी है, एक ब्लैक में एक ब्लू में, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता लॉन्ग बूट्स की ज़रूरत है। एंड ये जो नेक्स्ट पेयर है ये मैंने शीन से ली है लेपर्ड प्रिंट में एंड तो ये मैंने लास्ट ईयर लिया है एंड एनिमल प्रिंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। सो कुछ इतनी हील है इसकी जो कि बहुत कंफर्टेबल है, देखने में बहुत ऑसम है एंड इस पे आपको कोई भी चेन नहीं मिलेगी। सो ये चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आई थी क्योंकि इसे इन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड ये भी अप्रॉक्स 1800 रुपीज़ की मुझे मिली है शीन से।
देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है. लाइक अगर लेपर्ड प्रिंट, एनिमल प्रिंट अगर आउट ऑफ फैशन भी हो गई तो भी आप इसे ईजिली पहन सकते हो, क्योंकि लेपर्ड प्रिंट हमेशा फैशन में होती है. नेक्स्ट ये न्यूड बूट है एंड ये मैंने मिंत्रा से ली है. अभी रिसेंट परचेज है मेरी, करीबन 3 महीने पहले मैंने इसे लिया था मिंत्रा से एंड मेरे पास न्यूड कलर का कुछ भी नहीं था इस तरीके से, सो मुझे एक चाहिए थी. वन पेयर ऑफ शूज मस्ट है, न्यूड कलर आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए. एंड इसे मैंने पार्टी पर्पज से लिया था. लाइक आप ब्लॉक हील्स में देख सकते हैं, पूरी ग्लिटर्स लगी हुई है जो कि बहुत ऑसम लगी. पहनने पर अगेन बहुत कंफर्टेबल है एंड साइड से इसकी जिप मिलती है, हील भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कंफर्टेबल है. एंड इस सर्दी में मैंने इसे बहुत ज़्यादा वेयर किया है क्योंकि सामने से ये जो फ्रंट वाली कट है ना, ये अभी बहुत ट्रेंड में है और बहुत ऑसम लगती है. मैंने इसे सेल पे लिया था तो मुझे 70% ऑफ में मिली थी, बहुत अच्छी डील मिली है, लाइक 1200 और 1100 रुपीज़ में, बट 1800 रुपीज़ से नीचे अभी आपको ये नहीं मिलेगी. एंड नेक्स्ट जो मेरी बूट है वो ये है और ये बहुत ही गंदे हाल में है और मैंने इसे अभी क्लीन नहीं करा है. ये करीबन 3 साल पुरानी बूट है मेरी एंड इसे मैंने मिंत्रा से ली थी और आप देख सकते हैं बहुत ही ओल्ड वाला डिज़ाइन है ये. जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है सर्दियों पे तो मैं इसे डाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा पहना हुआ लगता है. ब्लॉक हील है इस पर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड से जिप है, बहुत कंफर्टेबल है. एंड अगर मुझे लिंक मिलती है तो मैं इसका दे दूँगी, बट ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, मुझे नहीं लगता अभी ये स्टॉक में होगी. बट ये मैंने लिया था 1800 रुपीज़ में जो कि बहुत ही अच्छी डील निकली एंड 3 साल से मैं इसे घिस रही हूँ और आप देख सकते हैं एज इट इज़ है ये. बस ये थोड़ी गंदी हो जाती है जल्दी, आप इसे क्लीन करोगे तो बिल्कुल नई जैसी ये लगती है. लास्ट जो मेरी बूट है वो स्नेक प्रिंट की है, इसे भी मैंने लास्ट ईयर लिया था. लाइक लास्ट ईयर एनिमल फैशन, एनिमल प्रिंट बहुत ही ज़्यादा इन थी. ये बहुत ही क्लासी बूट है. लाइक फ्रंट पे आप देख सकते हो इस तरीके की शार्प कट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इन है एंड पहनने पे बहुत ऑसम लगती है. ये जिप के साथ है फ्रंट पे एंड इसकी भी हील जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एंड बहुत कंफर्टेबल है और मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं इसे इस लेपर्ड वाले से ज़्यादा वेयर करती हूँ और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है और ये बहुत सारे कपड़ों में चल भी जाती है. लाइक फुल प्रॉपर मेरे पास वाइट कलर की कोई भी बूट नहीं है, ज़्यादातर वाइट जहाँ मुझे पेयर करना होता है मैं ऐसे ही करती हूँ. एंड इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ज़्यादा ऑसम है, मैं आपको जूम करके खाती हूँ. एंड इसे भी मैंने अप्रॉक्स 1800 और 1900 रुपीज़ में ली है और इसे भी मैं रेकमेंड करूँगी, अगर ये स्टॉक में है तो आप ये भी ले सकते हैं, बहुत ही ऑसम है. तो ये रही मेरी बूट्स की कलेक्शन जो कि मेरे हिसाब से विंटर्स के लिए परफेक्ट है, ठीक ठाक है. सारे ऑलमोस्ट सारे कलर्स है, लाइक ब्लैक, ब्लू, लेपर्ड, न्यूड, ब्लैक अगेन, देन वाइट. नेक्स्ट में देखते हैं और कौन सी ले सकते हैं. सो गाइज इतने सारे ही जितने भी मैंने आपको अभी हील्स, बूट्स, शूज दिखाए हैं बस इतने हैं मेरे पास एंड जितने भी थे मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया. एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. 17K+ हो चुकी है, सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइज़.